you mm -hmm. हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल मैं हूं सपना सिंह और हाँ फ्रेंड्स मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन को ताकि मेरी हर नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके तो फ्रेंड्स आज मैं अपने लिविंग रूम का टूर देने जा रही हूं तो बहुत सारे फ्रेंड ने आ, कहा था कि आप अपने लिविंग रूम का टूर दीजिए तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ तो फ्रेंड्स यहां से मेरा लिविंग रूम स्टार्ट होता है और आप आ, इधर सबसे जैसे ही हम एंटर करते हैं तो यहाँ पे मेरी वॉश बेसिन रखी हुई है जस्ट इसके ऊपर एक मेरा मिरर रखा हुआ है और इधर यहाँ पे मैंने एक मनी प्लांट रखा है और इसको मैंने एक लाइट से इसको डेकोरेट किया है और इधर टॉवेल रखा हुआ है जब भी अगर आप मुंह वॉश करो या कुछ भी हैंड वॉश करना है तो आप इसको मैंने रख दिया टॉवेल को आप हाथ वगैरह पोस सकते हो और यहाँ पे डेटॉल का सैनिटाइजर रखा हुआ है और इधर भी मेरा एक सैनिटाइजर है क्योंकि अभी हमें इसकी नीड होती है तो जस्ट उसके बाद इधर मेरा बाथरूम है उधर मेरा मास्टर बेडरूम है और इधर मेरी बेटी का रूम है जिसका मैंने वीडियो बनाया है तो आपको मैं डाल दूंगी लिंक में तो आप जरूर देखना और उसके बाद मैं आपको एक 360 डिग्री व्यू दिखा देती हूँ अपने डाइनिंग आ, रूम का डाइनिंग रूम लिविंग रूम हॉल आप इसको तीनों कह सकते हो तो चलिए उसके बाद यहाँ सामने हमारा टीवी यूनिट है तो ये देखिए तो नीचे में टीन ड्रॉवर है जिसमें मेरे कुछ सामान रखे रहते हैं और इस टीवी यूनिट को मैंने सजाया है कुछ टेडी वियर से जो कि मेरे हाथों के बनाए हुए हैं और कुछ खरीदे हुए हैं और ये मेरा यहाँ पे मैंने कैंडल रखा है मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ तो चले तो क्लियर आएगा और ये देखिए तो यहां पे मैंने अपने जितने भी सारे कैंडल होल्डर और कैंडल रखा है तो अभी होल्ड अभी इसमें से कुछ में कैंडल नहीं रखे हैं कुछ में कैंडल रखे हुए क्योंकि मुझे कैंडल का बहुत ज्यादा शौक है और ऊपर में कुछ चीजें हैं जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बुद्धा है शाही बाबा है तो उससे मैंने इसको डेकोरेट किया है उधर शंख है तो ये मेरा टीवी यूनिट है और नीट एंड क्लीन है क्योंकि मैं ज्यादा बहुत ज्यादा भरती नहीं हूँ ओवर डेकोरेट नहीं करती हूँ किसी भी चीज को और इसके ऊपर मेरा टीवी रखा हुआ है और उसके ऊपर में आप देख सकते हो ये जो सेल्फ है इसको मैंने खुद से कस्टमाइज करवाया है कारपेंटर से मेरी खुद की है अफसोस हाँ मीन्स मैंने खुद से इसको कस्टमाइज करवाया था और उधर मैंने एक मनी प्लांट रखा है जिसको मैं वीकली अपना क्लीन कर लेती हूँ और उधर मेरे हस्बैंड के कुछ उनको जो अवार्ड वगैरह जो बोलते हैं ट्रॉफी वगैरह मिलती है वो है उधर बिरसा मुंडा उनको मिला हुआ था वो है एक फ्लावर पॉट है चेयर है और वो एक लालटेन मेरी खुद की डीआईवाई है जो कि फेंका हुआ था उसको मैंने डीआईवाई कर लिया और ये वाली मनी प्लांट इसकी स्टोरी मैं आपको सुना ही चुकी हूँ तो मैंने इसको चूहे के डर से ऊपर कर दिया तो मैं आपको इसका एक व्यू दे देती हूँ कि कैसा दिखता है तो ये देखिए इसका लुक ऐसा है और जस्ट इसके बगल में टीवी यूनिट के बगल में मेरा एक ये ब्रास का था जो कि मेरी शादी का मुझे मिला था तो इसमें मैंने कुछ फ्लावर डाल दिए हैं क्योंकि ये सब उतना यूज़ नहीं हो पाता तो मैंने इसको डेकोरेट किया और इसको और अच्छे से दीपावली में डेकोरेट मैं करूँगी और जस्ट टीवी यूनिट के बगल में ये मैंने एरेका पाम रखा हुआ है क्योंकि आप लोग सभी को पता है कि मैं प्लांट लवर हूं तो यहाँ पे मैंने ये डक रखा हुआ था मेरे बेटा का रखा हुआ था तो मैंने इसको डेकोरेट कर दिया और यहाँ पे कृष्ण भगवान का आइडल रख दिया है जिससे इसका लुक काफी अच्छा आ गया और कुछ लाइट रख दिया ये लाइट प्लांट को कोई भी नुकसान नहीं करती है इसलिए मैंने इस पर लाइट डाला हुआ है तो ये देखिए और जस्ट इसके बगल में, में मेरा पूजा रूम है और उसके ऊपर मैंने एक वॉच रखा है तो अगर आप मेरा पूजा रूम का डेकोरेशन देखना चाहते हो या तो मैंने कैसे इसको सजाया तो आप मुझे कमेंट करना तो मैं आपको और इसका वीडियो जरूर शेयर करूंगी आपके साथ और जस्ट उसके बगल में मेरा फाइव सीटर सोफा है जिसका मैं आपको एक लुक दे देती हूँ तो यहाँ पे मेरा सोफा है जो कि काफी साल पुराना है और अभी भी काफी अच्छे कंडीशन में है काफी अच्छा है और तो ये मेरा फाइव सीटर सोफा इधर रखा हुआ है और इस साइड में मेरी बालकनी है तो मैंने इसका भी वीडियो बनाया है और शेयर किया है आपको लिंक दे दूंगी आप जरूर देखना और उसके बाद इस जस्ट इस सोफे आ, सोफा के नीचे आ, मैंने आ, सोफा के सामने मैंने ये टेबल रखा है और टेबल के ऊपर मैंने कुछ भी नहीं रखा है बस एक ये जो मैट है ये डाल दी ये एक मैट डाल दिया और इसके ऊपर मैंने ये मनी प्लांट डाल दिया और इसके नीचे एक ये बास्केट रखती हूँ जिसमें रिमोट वगैरह चार्जर वगैरह सारे एसी का टीवी का सब चीज का यहाँ पे रखा हुआ है टेबल के नीचे मैं और कुछ नहीं रखती क्योंकि जब हम लोग टीवी देखते हैं तो पैर वगैरह जाता है और मैंने सोफा को उसी अकॉर्डिंग रखा है आ, टीवी हम लोग जैसे देख टीवी सामने है तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने सोफा को सजाया है आ, सजाया है मीन्स आप कह सकते हो कि रखा है ताकि हम अच्छी तरह से टीवी देख सकें और नीचे मैंने एक कारपेट डाला हुआ है ये भी काफी पुराना है दस साल से ज्यादा पुराना है ये कारपेट तो मैं इसको कभी कभी बिछाती हूँ और ठंड में इसको यूज करती हूँ और काफी अच्छा है और मैं इसको कैसे वास करती हूँ अगर आपको ये देखना है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा तो मैं आपको बताऊंगी कि आप दस साल भी अगर आपका कारपेट का हो जाता है तो आपको कितनी अच्छी तरह से आप रख सकते हो इसका आप कलर वगैरह देख सकते हो इसको कभी कभी बिछाती हूँ लेकिन ठंड में ये दो तीन मंथ तो एकदम रेगुलर ही बिछता है तो आप देख सकते हो इसका कलर वगैरह तो ये ओवरऑल मेरा आ, आप देख सकते हो आ, डाइनिंग रूम डाइनिंग रूम आ, लिविंग रूम या आप हॉल कह सकते हो मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो ये देखिए मेरा इस टाइप से तो मैं आपको एक बार व्यू दिखा देती हूँ अपने पूरे बिल्कुल डाइनिंग रूम का सारी लाइटें ऑफ करने के बाद मेरे डाइनिंग रूम का ऐसा लुक आता है बहुत ही प्यारा लगता है बहुत ही आहा... अच्छा लगता है तो ये देखिए मेरी डाइनिंग रूम का एक लुक मैं आपको दिखा दूँ अगर आपको मेरा वीडियो किसी भी रीजन से पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा जरूर शेयर कीजिएगा जरूर, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू